सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट हमारे पास ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये हमारी होल्ड करनी चाहिए. ओके सो हमारे पास इस मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर देखिए चीज़ें क्या क्या हैं. तो वो चीज़ें हमारे पास एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे एंड देन वो मल्टीप्लाई हो रही है किसी मैट्रिक्स ए के साथ एंड इज इक्वल्स टू में हमारे पास कोई एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स है. ओके सो आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है ताकि हम लोग उस मैट्रिक्स को वहाँ पे अज्यूम कर सकें एंड देन दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वेट कर सकें. ओके तो ध्यान से देखिए हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी यहाँ पे. तो मैंने अज्यूम किया लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज व्हाट इज, मैंने अज्यूम कर लिया कि वो ऑर्डर आपका एम क्रॉस एन का है. ओके तो ध्यान से देखिए आपको अब इस एम और एन की वैल्यूज को फाइंड करना है. सो आप सबको पता है ये काम आपको रफ में करना है. आप सबको पता है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो पाती हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो हो जाए आप लोगों का. ओके सो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है वो एक्चुअल में है 3/2 की मैट्रिक्स. ओके एंड देन आपने यहाँ पे जो मैट्रिक्स अज्यूम करी है वो मैट्रिक्स है आपकी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स. ओके और जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो एक्चुअल में मिल रहा है कितना, वो आपको मिल रहा है एक 3/2 की मैट्रिक्स. ओके ऑल राइट सो ध्यान से देखिए यहाँ पे आप सबको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तभी हो पाता है जब यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल्स टू यहाँ के नंबर ऑफ रोज है. वॉट डज इट मीन, इट मीन्स यहाँ से भी मालूम पड़ गया कि m इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए हमारे पास, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो पाएगा. ओके और हम सबको ये भी पता है कि जब मैट्रिक्स दो मल्टीप्लाई होती हैं देन उनका जो ऑर्डर बनता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वो बनता है यहाँ वाला एलिमेंट एम क्रॉस यहाँ वाला एलिमेंट. इट मीन्स हमारा जो मैट्रिक्स फाइनल बन के आएगा वो बन के आएगा 3×n का. बट हमें यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा मैट्रिक्स बन के आ रही है वो बन के आ रही है 3×2 की. वॉट डज इट मीन, इट मीन्स हमारा जो n की वैल्यू है ये भी हमारे पास 2 होनी चाहिए. इट मीन्स इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू भी 2 होगा और n इज इक्वल्स टू भी 2 होगा इस मैट्रिक्स इक्वेशन को देख के. ओके सो हमने क्या देख लिया यहाँ पे, हमने देखा द अबव मैट्रिक्स इक्वेशन होल्ड्स ट्रू इफ एंड ओनली इफ व्हाट m इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू भी 2 होना चाहिए हमारे पास. ओके इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगी उसका ऑर्डर हमारा 2/2 होगा. ओके देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 2/2 की मैट्रिक्स. ओके तो हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा. तो हमने इसको अज्यूम कर लिया क्या, लेट ए इज इक्वल्स टू हमने अज्यूम कर लिया 2/2 की एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हमने मान लिए ए बी सी और डी. ओके सो इसके हिसाब से जो हमारी अबव इक्वेशंस अब बन जाएंगी वो क्या बन जाएगी देखिए ध्यान से. तो हमारे पास जो अबव इक्वेशन बन जाएगी देयरफॉर द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसे, एक मैट्रिक्स है आपके पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, -1, 1, 0 एंड देन -3, 4. इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स ए के साथ. मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे ए बी सी एंड डी एंड देन जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास -1, -8, 1 एंड देन -2 एंड देन 9 एंड 22. ओके सो अब हमारा मेन काम होगा इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना एंड देन जो हमारे पास आंसर आएगा रिजल्टेंट उसको इक्वेट करना इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से. ओके सो फटाफट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्टेन होगा हमें. तो देखिए मैंने इस मैट्रिक्स से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या पाया, मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे 2 times ऑफ ए माइनस का सी. ओके मैं साइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे एंड देन आपके पास एलिमेंट आएगा यहाँ पे 2 times ऑफ बी माइनस डी. सिमिलरली आपके पास एलिमेंट आने वाला है यहाँ पे ए प्लस 0c, 0c को मत लिखिए आप लोग एंड देन आपके पास एलिमेंट आने वाला है क्या b प्लस में 0d, उसको भी मत लिखिए आप लोग. देन आपके पास एलिमेंट आएगा -3a + 4c, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो 3 को यहाँ पे कॉलम 1 से एंड देन यहाँ पे आपके पास एलिमेंट आने वाला है -3b + 4d. ओके ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना आप सबको आता है इसलिए मैंने शॉर्टकट से सिखा दिया इसको. नाउ इसको इक्वेट करना है आपको -1, -8, 1 एंड -2 एंड देन 9 एंड 22 से. ओके सो आपको क्या करना है, आप दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करना है. तो आप लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द अबव टू मैट्रिसेस द अबव
टू मैट्रिसेस, देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा, आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2a माइनस सी मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस वन, एंड देन 2b माइनस डी मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस एट, एंड देन a इज इक्वल्स टू वन, एंड देन b इज इक्वल्स टू माइनस टू, एंड देन माइनस थ्री ए प्लस फोर सी इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 4c, ओके 4c इज इक्वल्स टू 9, एंड देन माइनस का 3b प्लस में 4d इज इक्वल्स टू 20. सो आपको इन सारी की सारी इक्वेशंस को एनालाइज करना है और सॉल्व करना है, एंड देन ए बी सी डी की वैल्यूज को फाइंड करना है. तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख गया कि a की वैल्यू है आपकी 1, तो आप a की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं, जहाँ पे भी a रिक्वायर्ड है तो आप ऊपर पुट कर दीजिए इसको. तो आपने क्या देखा, आपकी वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 1. वॉट डज इट मीन, इट मीन्स 2 माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 1, एंड वी कैन से माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड सी इज इक्वल्स टू 3 आपको ऑप्टेन हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ से आप b की वैल्यू को माइनस 2 इसमें पुट कर सकते हैं, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू माइनस 2 माइनस का d इज इक्वल्स टू माइनस 8, एंड वी कैन से वॉट, वी कैन से माइनस 4 माइनस d इज इक्वल्स टू माइनस 8, एंड देन माइनस d इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 4, एंड माइनस d इज इक्वल्स टू माइनस 4, एंड d इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा. हमसे देखिए a की वैल्यू है आपकी 1, b की वैल्यू है आपकी माइनस 2, c की वैल्यू है आपकी 3, एंड d की वैल्यू जो आपके पास ऑप्टेन हो गया वो आई 4. तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. बच्चों के डाउट्स बस यही रहते हैं कि हम लोग कैसे पता करें कि इस मैट्रिक्स ए का हमारे पास जो ऑर्डर आने वाला है वो ऑर्डर कितना आने वाला है. तो वो सब कुछ का मैंने यहाँ सिखा दिया आपको, इसको आप लोग रिवाइंड करके देखते रहिए ताकि आप लोगों के माइंड में आराम से बैठ जाए. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज कर लीजिए. ओके.